दोस्तों, वर्षा ऋतु में आसमान में बादलों की तेज गड़गड़ाहट और बिजली की चकाचौंध करने वाली चमक देखकर अक्सर हम सब का मन डर से सहम जाता है। बादलों के इसी गर्जन और बिजली की चमक के पीछे बोड़ो लोगों के बीच एक बहुत ही रोचक लोक कथा प्रचलित है। चलिए सुनते हैं इसी लोक कथा को। एक समय की बात है, एक राजा हुआ करता था जिसका रावणा नाम का एक बेटा था और रावणी नाम की एक बेटी थी। जैसे जैसे वे दोनों एक साथ बड़े होते गए, रावणा अपनी बहन से शादी करने की इच्छा करने लगा। एक दिन रावणा अपने पिता की जानकारी के बिना खलिहान में अकेला रह गया। पिता ने जब रात के भोजन में बेटे को बुलाया तब वह कहीं नहीं मिला। राजा परेशान हो गया। हालांकि एक सेवक ने राजा के युवा बेटे को खलिहान में देखा था और उसने ये सूचना राजा को दे दी। सूचना मिलते ही राजा खलिहान अपने बेटे के पास गया और उससे पूछा, तुम्हारी क्या समस्या है? यदि तुम हाथी चाहोगे मैं तुम्हें हाथी दूंगा, यदि तुम घोड़ा चाहते हो मैं तुम्हें घोड़ा दूंगा, लेकिन इस तरह से तुम अपने आप को दुखी मत करो। तब रावणा ने उत्तर दिया, मुझे किसी भी चीज की विशेष आवश्यकता नहीं है, परंतु आप यदि मुझे वचन दो और शपथ लो मैं आपको अपनी समस्या बता दूंगा। इस पर राजा ने जब देखा कि कोई और उपाय नहीं है, शपथ लेते हुए कहा, जो भी तुम चाहोगे मैं तुम्हें दूंगा। तब रावणा ने कहा, मुझे अनुमति दीजिए रावणी से विवाह करने के लिए, तभी मैं अपना भोजन करूंगा। अपनी बेटी की इस बात को सुनते ही राजा परेशान हो गया, परंतु अपने शपथ को याद कर वह विवाह कराने के लिए भी तैयार हो गया। इसके साथ ही उसने सभी को इस मसले के बारे में बेटी रावणी को बताने से मना करवा दिया। इसलिए रावणी को अपने साथ होने वाले इस प्रस्तावित विवाह के बारे में कोई जानकारी नहीं हुई। परंतु एक दिन जब वह भोजन के लिए गांव के नदी किनारे चावल धोने गई, तभी एक वृद्ध महिला मिली और उसने पूछा, आज राजमहल में क्या हो रहा है? रावणी बोली, आज राजा के बेटे का विवाह होने जा रहा है। जब उस वृद्ध महिला ने आगे पूछा, परंतु वो किसको विवाह करेगा? रावणी ने उत्तर दिया, माँ मैं नहीं कह सकती हूँ। तब वृद्ध महिला ने फिर से कहा, वह तुम हो जिसे वह विवाह करने जा रहा है। रावणी ने दोबारा पूछा, माँ क्या ये सच है? इस पर वृद्ध महिला ने शपथ लेकर अपनी बात की पुष्टि की। इसको सुनते ही रावणी तुरंत भागकर आसमान में उड़ गई। तब रावणा ने रावणी को आसमान में उड़ते देखा, वह उसके पीछे चिल्लाया और उसको पकड़ने का उसने भरसक प्रयास किया। रावणा की इन्हीं तेज चीखों और धमकियों को बोड़ो लोग बादलों की गड़गड़ाहट और गर्जन कहते हैं। कभी कभी रावणी यह देखने के लिए पीछे मुड़कर देखती है कि उसका पीछा करने वाला उस पर हावी हो रहा है या नहीं। ऐसा करने में वो आग की तरह चमकते हुए अपने चेहरे की चमक और सुंदरता को प्रकट करती है। यह उसके चेहरे की चमकदार सुंदरता है जिसे बोड़ो लोग बिजली के रूप में संदर्भित करते हैं। दोस्तों, इसलिए बोड़ो लोग आज भी वर्षा के दौरान आसमान में बादलों के गर्जन और बिजली के चकाचौंध करने वाली चमक में ये कहते सुनाई पड़ते हैं कि रावणा रावणी का पीछा कर रहा है।